नरसिंहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार जीते सांसद राव उदय प्रताप सिंह का नगर में हुआ सम्मान। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद प्रथम बार नगर आगमन पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत भी किया एवं जगह जगह तुलादान भी किया गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश खत्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर से सांसद की जीत के बाद पूरे शहर भगवा हो गया है। सांसद ने भी शहर के मुख्य मार्ग में तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता का आभार व्यक्त किया। पूरे सम्मान समारोह में खास बात यह रही कि चुनाव के पूर्व जो कुछ एक कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, वह भी इस सम्मान समारोह के साथ में फोटो खिंचाते नजर आए, क्योंकि कुछ महीने बाद ही पंचायत की ओर निकाय के चुनाव होने हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा के आगामी चुनाव में रणनीति क्या होगी। सम्मान समारोह आयोजित किया है आज होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र की ऐतिहासिक जीत के बाद हमारे नवनिर्वाचित सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है और पूरे शहर में जनता, कार्यकर्ता ही नहीं, जनता भी स्वागत के लिए रोड पर उतरी हुई है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है पार्टी की जीत को लेकर और आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उसके बाद से थोड़ा सा कमजोर सी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ गई, इस जीत से कुछ फर्क पड़ेगा, जोश उत्साह बढ़ेगा, जोश में अंतर चुनाव का परिणाम जो बता रहा है वो कमजोर नहीं, मजबूत बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को जी। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनाव की अपेक्षा ज़्यादा लगभग दुगनी लीड ली है जी। सिवनी मालवा विधानसभा ही हम 11,700 वोट से जीते थे और इस संसदीय चुनाव में सिवनी मालवा विधानसभा से 71,400 वोट से उदय प्रताप जी जीते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि पार्टी कमजोर हुई।